हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है लॉस्ट इन स्पेस सीजन 2। तो सीजन 2 देखने से पहले आप लोगों को सीजन 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सीजन 2 की कहानी है वो बिल्कुल सीजन 1 के बाद ही शुरू होती है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि भाई सीजन 1 जरूर देखना। सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में आपको 10-10 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड्स के करीब करीब 50 मिनट के, कुछ 39 मिनट्स के भी है। कहानी शुरू होती है सीजन 1 से। सीजन 1 की कहानी मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, बहुत से लोग हैं जो इस तरीके के बड़े बड़े एपिसोड्स देखना नहीं पसंद करते, उन लोगों को डायरेक्ट सीजन 2 देखना, जो कि सीजन 2 में काफ़ी अलग हटके अच्छे अच्छे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले। क्योंकि यार देखिए, मैं पर्सनली बताता हूँ, मुझे सीजन 2 ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन कहानी के मुताबिक चले तो हमें सीजन 1 से ही देखना पड़ता है। और सीजन 1 मैंने भी देखा था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम पर मैं रिव्यू चैनल नहीं था मेरा, तो मैं रिव्यू नहीं कर पाया, लेकिन फाइनली मैं एक्साइटेड था कि इसका सीजन 2 का रिव्यू करो, क्योंकि सीजन 2 का मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था। ये उन वेब सीरीजों में से है जिसकी कहानी काफ़ी अलग यूनिक थी और उसका जो कॉन्सेप्ट है कुछ अलग हटके था। उसके अलावा जो उसकी मेन जाति वो थी इनका परफॉर्मेंस और डायरेक्शन करने का तरीका। सीजन 1 की बात करो तो सीजन 1 में हमें ऐसा बताया था कि दुनिया अब रहने लायक बची नहीं है, तो इसी से बचने के लिए एक बड़ा स्पेसशिप बनाया था। उस बड़े स्पेसशिप में काफ़ी छोटे छोटे स्पेसशिप होते हैं, उसमें काफ़ी अलग अलग लोग होते हैं। उन्हीं लोग में से एक फैमिली होती है जिस फैमिली का नाम होता है रॉबिनसन फैमिली, जो कि हमारे सीजन 1 और सीजन 2 के मेन कैरेक्टर्स हैं। तो उन लोगों का एक मिशन होता है किसी भी तरीके से एक ऐसा प्लानेट ढूंढना जहाँ पर जाके वो मानवता को फिर से बचा सके, यानी कि नई तरीके से शुरुआत कर सके। तो जब वो लोग निकलते हैं, रास्ते में उनसे एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिस वजह से उनको एक अलग प्लानेट पर लैंड करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या कुछ होता है उनकी ज़िंदगी में, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों ही देखना पड़ेगा। खैर, सीजन 1 और सीजन 2 में मुझे पर्सनली कौन सा अच्छा लगा तो मैं आप लोगों से सीधा बता दूं, तो मुझे सीजन 2 ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, सीजन 2 में हमें काफ़ी अलग एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाई। और अगर आपको घर बैठे इतने बड़े बड़े हाई लेवल के विजुअल्स, हाई लेवल के एक्शन देखने को मिले, जो कि आपको बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलता, तो यार तो फिर इस वेब सीरीज को कौन छोड़ेगा। और इसके अलावा ये एक फैमिली एंटरटेनिंग शो है। मैं आप लोगों से पहले बता दूं, अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, सब लोग ये शो को देखेंगे, सब लोग इंजॉय भी करेंगे। सीजन 1 जो आपको रोबोट और इंसान के बीच का जो एक फीलिंग बताई है ना, वो बहुत अच्छी लगती है और वो दिल पे छू जाती है, और इसी वजह से सीजन 1 बहुत ज़्यादा खास बन जाता है। सीजन 2 की शुरुआत बिल्कुल सीजन 1 के बाद ही होती है, तो मैं आप लोगों को स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा, बस इतना बताऊंगा कि किसी भी तरीके से सीजन 2 में अब वो जो प्लैनेट में, वो उस प्लैनेट से किस तरह से निकलते हैं, फिर उसके साथ क्या कुछ होता है, वो क्या कुछ ढूंढते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीजन 2 देखना पड़ेगा। खैर, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस की बात करो तो मुझे पर्सनली टोबी स्टेपन्स का किरदार बहुत अच्छा लगा। उनका जो डायलॉग बोलने का तरीका, उनकी आवाज़ कुछ अलग हटके ही है। उसके अलावा यहाँ पर बच्चे का किरदार है कि मैक्सवेल, उसका किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका किरदार मुझे काफ़ी इमोशनली कनेक्ट कर पा रहा था मैं उस किरदार से। उसके अलावा यहाँ पर मॉली पार्कर का फाइनेस्ट काम है इस वेब सीरीज में, लेकिन एक जो कैरेक्टर मुझे पर्सनली एक चुभन सी महसूस हो रहा था ना, वो था पार्कर पोसिका। पार्कर पोसिका एक ऐसा कैरेक्टर है, सीजन 1 हो या सीजन 2, आपको लगेगा एक नेगेटिव है, लेकिन वो फिर पॉजिटिव करती है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो कैसा कैरेक्टर है। कभी आपको इतना ज़्यादा इरिटेट करता है, कभी वो ऐसा कुछ काम कर देता है कि आप लोग सोच में पड़ जाते। तो वो कैरेक्टर को लेकर मुझे लगता है कि मेकर्स लोग काफ़ी कन्फ्यूज चल रहे थे, और वही कैरेक्टर एक अजीब ही यार, मतलब पता नहीं क्या हिसाब से उस कैरेक्टर को बनाया गया, लेकिन वो कैरेक्टर आपके दिमाग में बैठ जाता है। पूरे सीजन 1 और सीजन 2 में वही एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप लोग समझ नहीं सकते, और वही कैरेक्टर आपको बाद में याद भी रह जाता है। और उसके अलावा इस वेब सीरीज की जो अच्छी बात करूँ वो है इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, हर एक एपिसोड्स थ्रिल से भरपूर है। स्पेशली सीजन 2 की बात करूँ, सीजन 2 के हर एक एपिसोड्स में आपको कमाल की चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोग वेब सीरीज से एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। सीजन 1 मुझे बहुत अच्छा लगा था, नो डाउट, लेकिन सीजन 2 मुझे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों से हाईली रिकमेंड करता कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये ज़रूर देखें। अगर आप साईफाई वेब सीरीज या साईफाई मूवीज देखना पसंद करते हो, हॉलीवुड की चीज़ें देखना पसंद करते हो, तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए, ये एक फैमिली एंटरटेनिंग शो होने की वजह से बिल्कुल ज़रूर देखिए। बच्चों को तो ये बिल्कुल पसंद आएगा, और इसमें जो इंसान और रोबोट का जो चीज़ें बताई है यार, वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे यार। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस मैं इतना बोलूँगा ये वर्थ वॉच है, इन्जॉय करें। तो बस इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन।